मध्य प्रदेश में जेलों के हालात किसी फिल्म से कम नहीं। 2016 में भोपाल के केंद्रीय जेल से 8 सिमी आतंकवादियों का फरार होने के बाद जेलों की सुरक्षा और बढ़ा दी गई थी, लेकिन आज अल सुबह मध्य प्रदेश के नीमच से खबर आई कि दुष्कर्म और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले 4 कुख्यात अपराधी जेल की 22 फीट लंबी दीवार रस्सी का फंदा बनाकर फांदकर फरार हो गए और जेल विभाग पर सवालिया निशान लगा गए। इस जेल के जेलर की माने तो 11 नंबर बैरक में बंद 4 अपराधी नरसिंह बंजारा, दुबेलाल, पंकज मोंगिया और लेखराम बागरी जो नशीले पदार्थों की तस्करी करते थे, उन्होंने पहले बैरक की सलाखों आरी से काटा, फिर एक रस्सी में फंदा बनाकर सुबह के 4 बजे जेल से 22 फीट दीवार फान कर रफू चक्कर हो गए। इस जेल की तासीर कहती है कि वर्ष 2009 में 5 कैदी इसी जेल से भाग गए थे। आज इन कैदियों का जेल से दीवार फान कर निकलना यह जताता है कि नीमच की जेल के हाल शोले फिल्म की तर्ज पर हैं। फिलहाल राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 4 जेल पहरियों के साथ जेलर आरपी बासनिया को निलंबित कर दिया है। जब जेल पर राउंड करने के लिए आया तो उस समय तो अंदर राउंड करने के बाद तो जिस एरिया में से भागे हैं उस एरिया तरफ गया तो जवान ने बताया कि साहब तो कुछ गड़बड़ है, कुछ बंदियों की जागने की और हलचल ऐसी आवाज लगी। मैं तुरंत तो जवान से पूछा और उसने बताया कि साहब 11 नंबर बैरिक का कुछ सरिया कटे हैं। तुरंत मैं वहाँ जाकर देखा तो 2 सरिये कटे हुए थे, वो बाहर से रस्सा है तो कोने की दीवार से बिजली के पोल से रस्सा बाहर से बांधा गया और एक रस्सा अंदर फेंका गया और उस रस्से के सहारे 4 बंदी गए। ये जवानों की थोड़ी लापरवाही रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि नहीं मिली भगत लिए तो जांच का विषय है जो भी आएगा। सर, 4 आरोपियों के पास कहां से? अब ये जांच का विषय है, जांच में जो भी आएगा उसमें तो सर अभी कुछ इनाम इनाम की घोषणा हुई है वो एसपी साहब की तरफ से होगी, पुलिस विभाग की तरफ से। बाहर के लोगों ने भी सहयोग कराया सर? हाँ, बाहर के लोग जरूर आए होंगे क्योंकि बाहर पोल पे रस्सा बांधना अंदर फेंकना। सर, यहाँ पे सुरक्षा के किस तरह के इतने जाम और कितने यहाँ पे सुरक्षा कर्मी? सुरक्षा कर्मी में अभी 27 प्रहरी है जिसमें 7 महिला है, 20 पुरुष प्रहरी है। हेडवाटर में 4 पद है जिसमें से 3 रिटायर हो चुके हैं, केवल एक ही है। लेकिन हम फिर कहेंगे मध्य प्रदेश की जेल 4 दीवारियों के अंदर भी बदनाम है और जेल के बाहर भी यह बदनामी का दंश जेल महकमा भोग रहा है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।